अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आवर टुडेस टॉपिक इज एडवर्ब एंड इट्स टाइप्स। सबसे पहले हम एडवर्ब की डेफिनेशन देखते हैं, फिर उसके बाद इसकी एग्जांपल्स देखते हैं और फिर उसकी टाइप्स देखते हैं। इट इज अ वर्ड और फ्रेज दैट मॉडिफाइज और क्वालिफाइज एन एडजेक्टिव, वर्ब और अदर एडवर्ब और अ वर्ड ग्रुप एक्सप्रेसिंग अ रिलेशन ऑफ प्लेस, टाइम, फ्रीक्वेंसी। अब इसमें एडवर्ब का मतलब ये है, या हम ये कह सकते हैं कि एडवर्ब वर्ड को कहते हैं या उस फ्रेज को कहते हैं जिसमें हम एडजेक्टिव की तरफ, वर्ब की तरफ या किसी और एडवर्ब की तरफ इशारा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉक्स अवे क्विकली। शी वॉक्स अवे पे हमारा स्टेटमेंट तो कंप्लीट हो सकता है, लेकिन शी वॉक्स अवे क्विकली, अब क्विकली हमारे पास क्या चीज है, ये एडवर्ब है। ही डांसेस बैडली, बैडली हमारे पास एडवर्ब है। एडवर्ब की अब हम टाइप्स देखते हैं कि हमारे पास एडवर्ब की टाइप्स कौन कौन सी हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम मीन्स कि ये टाइम के रेलिवेंट होता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस मीन्स कि किसी भी प्लेस के हवाले से बात की जाती है। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये पांच हमारे पास एडवर्ब की टाइप्स हैं। सबसे पहले हम एडवर्ब ऑफ टाइम को स्टडी करते हैं कि एडवर्ब ऑफ टाइम किसको कंसिडर किया जाता है। तो इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं, इट टेल्स व्हेन एन एक्शन हैपेंड। एडवर्ब ऑफ टाइम हमें यह बताता है कि कब एक्शन हुआ, बट ऑल्सो फॉर हाउ लॉन्ग, साथ ये भी बताता है कि कितनी देर के लिए वो काम हुआ और हाउ ऑफन, ये कितनी मर्तबा काम हुआ, उसको हम एडवर्ब ऑफ टाइम कंसिडर करते हैं। दे आर एक्सट्रीमली कॉमन इन इंग्लिश, और इंग्लिश में ये बहुत कॉमन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल कॉल यू लेटर, मैं आपको बाद में कॉल करूंगा। लेटर जो है बाद में मतलब कंसिडर किया जा रहा है, तो इट मीन्स कि यह हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं, I have to leave now. Now हमारे पास क्या है, यह हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम है। I will see you tomorrow. ये tomorrow हमारे पास क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। इसमें आप yesterday भी consider कर सकते हैं, इसमें आप today भी consider कर सकते हैं tomorrow की जगह पे। उसके अलावा अगर हम later करते हैं तो later की जगह पे हमारे पास early भी हो सकता है। Mean to say कि जब भी किसी time की तरफ, किसी वक्त की तरफ, किसी चीज की तरफ इशारा किया जाए, उसको हम एडवर्ब ऑफ टाइम कंसीडर कर सकते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम के बाद हम एडवर्ब ऑफ प्लेस को देखते हैं कि एडवर्ब ऑफ प्लेस किसको बोला जाता है। इट टेल्स अस वेयर समथिंग हैपेंस। एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें यह बताता है कि किस जगह पे क्या हुआ। दे आर यूजली प्लेस्ड आफ्टर द मेन वर्ब और द क्लॉज दे मॉडिफाई, ये वर्ब के बाद में या मेन क्लॉज के बाद में यूज होते हैं। दे डू नॉट मॉडिफाई एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स, के एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स को ये जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है ये मॉडिफाई नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, कम हेयर, यहां पे हेयर जगह की तरफ इशारा किया गया है, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस कंसिडर किया जा रहा है। ही लुक्ड अपवर्ड्स एट द स्टार्स, अब अपवर्ड्स जो है ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस है। द बॉयज आर प्लेइंग अपस्टेयर्स, अपस्टेयर्स जो है ये भी हमारे पास आप कह सकते हैं कि ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो आज के लेक्चर में हमने एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब की डेफिनेशंस और टाइप्स को गो थ्रू किया है। नेक्स्ट लेक्चर में एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम गो थ्रू करेंगे। तो दो पार्ट्स में इस लेक्चर को डिवाइड किया गया है स्टूडेंट्स की आसानी के लिए। अगर हम सरगोधा यूनिवर्सिटी की बात करें कि सरगोधा यूनिवर्सिटी में किस तरह ये क्वेश्चन आ सकता है, तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो एडवर्ब के एलिमेंट आएगा, जिसमें आपको एडवर्ब की डेफिनेशन लिखनी होगी, उसकी टाइप्स लिखनी होगी, टाइप्स के आगे एग्जांपल्स कोट करनी पड़ेंगी। इन केस अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आता है तो इसकी टाइप्स आप लाजमी, अगर वो पूछते हैं या नहीं पूछते, टाइप्स आप फिर भी लिख दीजिएगा और साथ डेफिनेशन के साथ एक एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। टाइप्स को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है आइदर, जब तक वो आपसे टाइप्स के रेलिवेंट पूछते नहीं है। और इन केस अगर एडवर्ब ऑफ प्लेस आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आ जाता है, तो फिर आपको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन लिखनी होगी और उसके साथ उसकी एग्जांपल्स लिखनी होगी। अल्लाह हाफिज़।